हेलो एवरीवन वेलकम टू सिक्स्थ लेक्चर ऑन एच टी एम एल विच इज़ अ पार्ट ऑफ वेब इंजीनियरिंग कोर्स ऑन दिस चैनल इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी अबाउट द एच टी एम एल फॉर्म्स वेरियस टैक्स ऑफ एच टी एम एल फॉर्म्स एंड हाउ वी कैन क्रिएट एन एच टी एम एल फॉर्म इसी वीडियो में हम फील्ड सेट के बारे में भी पढ़ेंगे जो एच टी एम एल फॉर्म्स को एक अलग अलग सेक्शंस के अंदर डिवाइड करता है सो वट इज़ एन एच टी एम एल फॉर्म एच टी एम एल फॉर्म इज़ अ सेक्शन ऑफ द वेब पेज और द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स कंट्रोल्स एज टेक्स्ट फील्ड्स पासवर्ड फील्ड्स जितने भी कंट्रोल्स होते हैं जो इनपुट लेने के काम आते हैं वो हम एक फॉर्म के अंदर रखते हैं चेकबॉक्सेस बटन्स एक्सेट्रा तो जितने भी कंट्रोल्स हम नॉर्मली इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं वो सब हम फॉर्म सॉरी फॉर्म के अंदर रखते हैं और बटन होता है फॉर्म को सबमिट करने के काम आता है तो एक देखिए फॉर्म का सिंटेक्स क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्म का सिंटेक्स समझना किसी भी वेब पेज पे फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपको फॉर्म टैग यूज करना है ये है फॉर्म टैग जो फॉर्म को बनाने के टाइम पे आपको लिखना है शुरू में स्टार्टिंग में उसके बाद फॉर्म को क्लोज़ करने के लिए फॉर्म टैग लिखना है आपको तो ये फॉर्म शुरू हुआ और यहाँ पे फॉर्म हमने ख़त्म कर दिया अब फॉर्म को जब सबमिट करते हैं हम तो कुछ उसके पैरामीटर्स होते हैं जो फॉर्म टैग के अंदर मैंशन करते हैं कि आफ्टर सबमिशन वो जो फॉर्म की फील्ड्स की वैल्यूज़ हैं वो कहाँ पर रीडायरेक्ट होंगी तो उसके लिए जो आप यूज़ करते हैं वो है एक्शन और इसके अंदर उस, उस सर्वर का यूआरएल होता है या फिर उस वेब पेज का यूआरएल होता है जिसपे आपको अपनी फील्ड्स की वैल्यूज़ को ट्रांसफर करना है तो यहां पे आप लिख सकते हैं सर्वर पेज सर्वर पेज यूआरएल देन यू हैव टू स्पेसिफाई द मेथड आप इसमें गेट भी लिख सकते हैं और पोस्ट भी लिख सकते हैं।

सर्वर पेज का यू देना है इस पेज पे आपकी टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल की वैल्यूज ट्रांसफर होंगी देन यू हैव टू स्पेसिफाई मेथड आइदर गेट और पोस्ट एंड हे आर द इनपुट फॉर्म कंट्रोल सचेस टेक्स्ट फील्ड टेक्स्ट एरिया एटसेट्रा सो दैट इज हाउ यू कैन क्रिएट एच टी एम एल फॉर्म नाउ वी विल सी वेरियस टैक्स एंड द डिस्क्रिप्शन

देन वी हैव दिस इनपुट टैक इनपुट टैक डिफाइन्स द इनपुट कंट्रोल कि किस टाइप का आपको इनपुट कंट्रोल बनाना है वो हम इनपुट टैग के अंदर लेते हैं इसका एग्जांपल अभी हम देखेंगे इसी वीडियो में आगे कि इनपुट टाइप आप टेक्स्ट फिल कर सकते हो इनपुट टाइप आप बटन कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट आपके टाइप्स होते हैं जो इनपुट के अंदर होते हैं जैसे एक टाइप है आपका टेक्स्ट एरिया टेक्सट एरिया क्या करता है इट डिफाइंस मल्टीलाइन इट डिफाइंस मल्टी लाइन इनपुट कंट्रोल अगर आपको ऐसे एड्रेस किसी यूज़र का लेना है तो आप उस केस में एड्रेस को टेक्स्ट एरिया फील्ड ले सकते हैं लेबल डिफाइंड अ एलिमेंट विच दैट विच वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज इट इज़ एक्चुअली अ पैसिव एलिमेंट जिसकी वैल्यू को हम यूज़र से चेंज नहीं कराते हैं। then we have this field set field set is used to group the related elements of the form so it is used to group relative elements of the form then the legend legend is nothing but a caption of the field set we are going to see uh, the all the uh, elements इन एन एग्जाम्पल देन वी हैव सिलेक्ट सिलेक्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं देट मीन्स इट इज़ यूज फॉर डिफाइनिंग अ ड्रॉप डाउन लिस्ट अगर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी तो आप उस केस में सिलेक्ट का यूज़ करेंगे देन वी हैव ऑप्ट ग्रुप इट इज इट डिफाइंस ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑप्शन इन ए ड्रॉप डाउन लिस्ट सो रिलेटेड ऑप्शन इन ड्रॉप डाउन लिस्ट को शो करने के लिए हम ऑप्ट ग्रुप यूज कर सकते हैं

दीज आर सम ऑफ द टैक्स दट आई है ना वी विल सी एन एग्जाम्पल वेयर वी विल क्रिएट एन एच डीमल फॉर्म एंड वी विल ग्रुप रिलेटिव एलिमेंट्स ऑफ द एच डीमल फॉर्म विद दीट टैक सो ना लेट स्टार्ट क्रिएटिंग एन एच डील फार्मी हेल्प ऑफ फील्ड सेट सपोज आई वॉन्ट टू क्रिएट अ फॉर्म जिसमें एक स्पेस है पर्सनल इंफॉर्मेशन का दैट इज एक्चुअली द कैप्शन ऑफ द फील्ड सेट दैट आई वांट टू क्रिएट एंड द सेकंड इज एड्रेस डेटा पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास क्या क्या होगा फर्स्ट नेम देन वी हैव दिस लास्ट नेम ईमेल देन we can have gender and in this we have this radio buttons male or female so this is about the personal information and in the address data we will have complete postal address

तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है इसको बनाने के लिए आई हैव टू ओपन अ फॉर्म टैग नाउ आई एम नॉट मैंशनिंग एनी एक्शन और द मैथड हेयर बिकॉज दिस इज जस्ट अ स्टेटिक फॉर्म अगर इसकी वैल्यूज को आप किसी सर्वर पर लेके जाना चाहते हो तो आप इसके अंदर एक्शन और मैथड को डिफाइन कर सकते हैं सो आफ्टर क्रिएटिंग अ फॉर्म आई हैव टू क्रिएट अ फील्ड सेट ये जो इन्फॉर्मेशन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन की इसको एक ग्रुप में रखना है तो मैं एक फील्ड सेट बनाऊंगा सो क्रिएट अ फील्ड सेट एंड गिव कैप्शन ऑफ दिस फील्ड सेट विद दी हेल्प ऑफ लेजेंड टैग कैप्शन की हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सो दैट गोज पर्सनल इन्फरमेशन एंड क्लोज दैट लेजेंड टैग देन आफ्टर डैट आई हैव दिस मैनी इनपुट टाइप्स सो स्टार्ट क्रिएटिंग दैम जैसे फर्स्ट नेम हमें बनाते तो हम क्या करेंगे फर्स्ट नेम हम लिख देंगे एज इट इज देन वी विल हैव दिस इनपुट टाइप टेक्स्ट सो राइट हेयर इनपुट किस टाइप का हमें इनपुट लेना है टेक्स्ट फील तो सो सिंपल

सो दैट इज एक ही फील्ड बन जाएगी एफ फर्स्ट नेम सिमिलरली आप लास्ट नेम की बना लोगे ई मेल के बनाने के लिए नाव एच टी एम एल सपोर्ट वन इनपुट टाइप दैट इज ई मेल उसका मतलब है कि अगर आप इसके अंदर ई मेल का करेक्ट सिंटेक्स नहीं एड कर रहे हो तो वो अपने आप ही एरर देगा सो दैट इज़ इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू ई मेल so you know you don't need to verify the correct syntax of email just specify input type email so that is for email then to create a radio button what you have to do you have to specify the input type as radio so that goes input type is equals to रेडियो नेम इज इक्वल्स टू जेंडर एंड वैल्यू इज मेल तो एक इनपुट टाइप हमने बनाया रेडियो जिसका नाम हमने रखा जेंडर और वैल्यू इसकी रख दी मेल तो एक रेडियो बटन की ऑप्शन बन जाएगी आप इसको डिफॉल्ट अगर चेक करना चाहते हो तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा चेक और इसकी कैप्शन देने के लिए यहाँ पे मेल जो इसके साथ आप ये शो होगा ये जो वैल्यू है ये सर्वर को ट्रांसफर होती है ये हम यूज़र को डिस्प्ले करते हैं सो दिस इज द वन इनपुट टाइप देन टू क्रिएट अ सेकेंड इनपुट टाइप फीमेल राइट इन अ सिमिलर वे इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू फीमेल सॉरी इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो अब नेम के अंदर आपको यही स्पेसिफाई करना पड़ेगा क्योंकि हम इसको एक ही रेडियो बटन क्लास का मेम्बर बनाना चाहते हैं तो नेम शुड बी सेम दैट इज जेंडर जिनका नेम सेम होता है वो एक साथ ग्रुप हो जाते हैं वैल्यू इज नाउ फीमेल एंड दैट्स इट और इसके आगे, आगे आपको शो कराना है फीमेल तो यहां पे लिखेंगे हम फीमेल तो एक ये आपका एक ये रेडियो बटन बन जाएगा जिसकी दो ऑप्शन है मेल या फिर फीमेल और मेल बाय डिफॉल्ट चेकड आएगा अब देखिए इतनी सब इंफॉर्मेशन बन गई है मुझे इस फील्ड सेट को क्लोज करना है तो यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे फील्ड सेट तो एक इतना पर्सनल इंफॉर्मेशन का एक अलग सेक्शन बन गया विद दी हेल्प ऑफ दिस फील्ड सेट देन यू हैव टू क्रिएट वन मोर फील्ड सेट विथ दी लेजेंड एज एड्रेस डेटा तो उसके लिए क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे इसी के नीचे हम लिखेंगे फील्ड सेट देन क्रिएट अ लेजेंड एंड इन दिस एड्रेस डेटा सॉरी तो एक और ये फील्ड सेट बन जाएगा जिसमें अब हम ये दो इनपुट टाइप एंटर कर सकते हैं दिस इनपुट टाइप इज सिंपल जस्ट लाइक दिस टेक्स्ट फील्ड कंप्लीट पोस्टल एड्रेस आप इसके में टेक्स्ट एरिया भी ले सकते हैं ये जो है ये आपका एक इनपुट टाइप है जिसका टाइप है सिलेक्ट तो ये देखते हैं कि ये कैसे बनाते हैं हम तो इसके लिए क्या करना है आपको यहां पे यूज विद टैग सिलेक्ट एंड देन गिव द नेम एज कंट्री तो एक ड्रॉपडाउन बनेगा जिसका नाम है कंट्री अब इस ड्रॉप डाउन की मुझे कुछ ऑप्शन देनी है तो उसके लिए क्या करना है आपको सिंपल यूज ऑप्शन टैक एंड गिव वैल्यू एज सपोज इंडिया देन क्लोज दिस टैक एंड गिव

और इसकी वैल्यू क्या है सबमिट सो दैट इज हाउ यू कैन क्रिएट अ फॉर्म इन एच टी एम एल फील्ड सेट का यूज हम करते हैं टू डिवाइड आवर फॉर्म इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन इट विल बी मोर प्रेजेंटेबल इफ यू डिवाइड यूर फॉर्म्स इन डिफरेंट सेक्शन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर टूटोरियल ऑन वेब इंजीनियरिंग एंड अदर कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स थैंक यू